नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइफ स्ट्रीम्स को। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। औरंगाबाद से सांसद हैं सुशील कुमार सिंह और औरंगाबाद से ही पूर्व विधायक हैं रामाधार सिंह। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यह कहा है कि यदि सुशील कुमार सिंह को फिर से बीजेपी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा होने जा रहा है और सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी को क्षति भी पहुंचाया है। किस तरीके से क्षति पहुंचाया है जरा सुनिएगा। जब हमने खास बातचीत की है बीजेपी के पूर्व एमएलए रामाधार सिंह से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुशील कुमार सिंह अगर औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। सर, तो आप भी भाजपा के नेता हैं, वो भी भाजपा के नेता हैं, तो आप क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जनता में आक्रोश है जी, और सुशील कुमार सिंह ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जी। जी तो सिर्फ सोलर लाइट लगाने के छोड़ के जी जी जनता भाजपा के साथ है, कार्यकर्ता भाजपा के साथ है जी जी, लेकिन सुशील सिंह न भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ है न औरंगाबाद के जनता के साथ है जी। तो सुशील सिंह दल बदलू है जी, और अगर इस सीट जदयू में चला जाएगा तो भाग जाएंगे। आप ऐसा उम्मीद जता रहे हैं कि यदि सुशील कुमार सिंह को जदयू से ऑफर आता है तो वो चले जाएंगे जदयू में? हाँ, कहीं चले जा सकते हैं, वो तो वंशवादी दल बदलू है जी। तो सर जी, तो क्या नरेंद्र मोदी का जो ये रथ चल रहा है इसमें क्या नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का रथ जी जो है सुशील सिंह जैसे उम्मीदवार के कारण औरंगाबाद में रुक सकता है जी। अगर दूसरा कोई उम्मीदवार होगा जी, तो औरंगाबाद का कार्यकर्ता एक एक बूंद खून जी आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए देने के लिए तैयार है। तो क्या लग रहा है, सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से नहीं लड़ना चाहिए क्या, यह बीजेपी भूल करेगी? हाँ, अगर नहीं लड़ना चाहिए और अगर हमारी हम अपने नेतृत्व पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, समझ रही हैं? जी जी, अगर किसी कारणवश जी हम आरोप नहीं लगा रहे हैं जी, जी हमारे लिए पार्टी और हमारा नेता सर्वोपरि है जी, क्योंकि हम भाजपा 7 बार हमको टिकट दिया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है जी, है? जी। सुशील सिंह को औरंगाबाद से अगर टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से बड़ी भूल होगी जी। क्या कार्यकर्ताओं के बीच सुशील सिंह की पकड़ नहीं है? बिल्कुल नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ नहीं है। इसका इस बार रैली हुआ था जी, सुशील सिंह अकेले जाके मंच पर बैठ गए जी, सारा कार्यकर्ता तैयार था कि सांसद हमको साधन मुहैया कराएंगे जी, सांसद हमको वहाँ रहने के लिए व्यवस्था करेंगे पटना में जी, हैं? लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की है जी। पिछले बार हुंकार रैली हुआ था जी, हमारी जिम्मेवारी थी जी, और 40,000 पूरे लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता गए जी, और सबके रहने का खाने का जन सहयोग से, जनता से सहयोग लेके, लोगों से सहयोग लेके हमने व्यवस्था कराया था जी जी। और इस बार सुशील सिंह के जी कारण ही जी एक भी कार्यकर्ता पटना रैली में नहीं गए, जिसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुंह दिखाने के लायक नहीं। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहे। इसके बाद सुशील कुमार सिंह क्या कुछ कहेंगे बयानों के माध्यम से या ट्वीट करेंगे कुछ, उससे भी हम आप रूबरू कराते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।